हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित मंग प्रकाश, और आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट वन में यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में पैरामीशियम कॉर्डेटम, जिसमें हमारा हमने कल उसके कल्चर और पैरामीशियम क्लासिफिकेशन और ये सब पढ़ लिया था। आज हम उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का साइज, जिसे हम हिंदी में परिमाण कहते हैं। तो पैरामीशियम एक सूक्ष्मदर्शी है लंबा जीव है जो नेग्ड आई द्वारा, ठीक है, एक श्वेताव यानी वाइटिस या दूसरा बिंदु सा प्रतीत होता है। इसकी विभिन्न जातियों की लंबाई 80 माइक्रोन से 350 माइक्रोन तक होती है। पैरामीशियम कॉर्डेटम जो सबसे अधिक बड़ी जाति है की लंबाई 170 से 290 माइक्रोन तक होती है। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। इसके बेलनाकार शरीर का बड़े से बड़ा डायमीटर इसकी कुल लंबाई का 2y3 होता है। पैरामीशियम ऑरिलिया लगभग 120 से 200-250 माइक्रोन लंबा होता है। सामान्यतः एक ही जाति के प्राणियों में आकारिकी तथा कार्यिकी संबंधी कुछ सूक्ष्म भिन्नताएं होती हैं। जेनिंग्स ने पैरामीशियम की एक ही जाति में लंबाई और परिमाण की यानी डायमीटर की विभिन्नता, साइज की विभिन्नता के अनुसार 8 स्पीसीज या 8 प्रजातियां ज्ञात की थीं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट आता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में शेप। तो इसकी शेप क्या है, आइए वो भी देखते हैं। पैरामीशियम को प्रायः स्लीपराकार, ठीक है, यानी स्लीपर शेप्ड, सिगाराकार यानी सिगार शेप्ड, या तरकुआकार यानी स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। इसकी आकृति सामान्यतः स्थायी एवं असममितीय एसिमेट्रिकल होती है। अपनी स्लीपर तुल्य आकृति के कारण पैरामीशियम को कभी कभी स्लीपर जंतुक, स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहा जाता है। जॉबलेट ने पैरामीशियम कॉर्डेटम का नाम चौसन रखा, जिसका अर्थ स्लीपराकार जंतु ही होता है। इसका शरीर लंबा, अग्र सिरे पर कुंद तथा गोलीय और पश्च सिरे पर कुछ नुकीला होता है। आर पार परिच्छेद क्रॉस सेक्शन में यह वृत्ताकार दिखाई देता है और मध्य भाग से कुछ पीछे का व्यास सबसे अधिक होता है। इसका अगला आधा भाग कुछ ऐंठा हुआ होता है। इसके शरीर में मुख तल या अधर तल यानी ओरल सरफेस और वेंट्रल सरफेस और अप मुख यानी एवोरल या पृष्ठ तल अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ओरल ग्रुप की। तो इसका ओरल ग्रुप, इसको हिंदी में हम मुख खाँच कहते हैं। शरीर की अधर या वेंट्रल सरफेस पर
एक स्पष्ट तिरछा एवं छिछला गर्त होता है, जिसे हम ओरल ग्रूव या मुख कांच कहते हैं। यह शरीर के मध्य से प्रारंभ होती है और अगले सिरे के बाएं पार्स यानी लेटरल तक फैल जाती है। मुख खांच पीछे की ओर कुछ गहरी होकर शंकुआकार तुम्बिका यानी वेस्टिब्यूल बनाती है। यह वेस्टिब्यूल पीछे की ओर मुख गुहिका यानी बकल कैविटी में खुलती है, जिसमें आधारी मुख या साइटोस्टोम होता है। अगला है हमारा पेलिकल। पेलिकल क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज पेलिकल? पैरामीशियम के शरीर का बाहरी आवरण जीवित दृढ़ और प्रस्थस्थ क्यूटिकल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। पेलिकल को हिंदी में हम तनोतक कहते हैं। जब अभिरंजित जंतु को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो पेलिकल में नियमित रूप से पंचभुजी या षटभुजी पिट्स दिखाई देते हैं, जिनके किनारे उभरे हुए होते हैं। प्रत्येक पंचभुजी या सीलरी अवकाश सरकम सीलरी स्पेस पिट के मध्य से एक सीलियम निकलता है। एरहेट एंड पावर्स ने 1959 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करके बताया कि इन अवकाशों के चारों ओर फूली हुई कैविटीज होती हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक एल्वियोलाइस के केंद्र में स्थित गर्त ही पंचभुज की रचना करता है और समस्त कूपिकाएं सामूहिक रूप से एक सतत कूपिका स्तर बनाती हैं। यह स्तर एक बाहरी कूपकीय कला आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन तथा दूसरी अंतः कूपकीय कला इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे चिपकी रहती है। इस प्रकार पैरामीशियम की पेलिकल तीन कलाओं की बनी होती है, बाहरी प्लाज्मा कला, दूसरी बाहरी कूपकीय कला और तीसरी अंतः कूपकीय कला। अब बात करते हैं हम इसके सीलिया की। अगला स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सीलिया है। तो सीलिया क्या है, आइए देखते हैं। सीलिया को हम हिंदी में पछमाव कहते हैं। जंतु के संपूर्ण शरीर पर असंख्य महीन और छोटे छोटे रोम होते हैं, जिन्हें पछमाव या सीलिया कहते हैं। इनकी लंबाई 10 माइक्रोन से 12 माइक्रोन तक तथा डायामीटर 0.27 माइक्रोन होता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि पेलिकल के प्रत्येक पंचभुज के केंद्र या सरकमसीलियरी स्पेस से एक सीलिया पैरामीशियम बर्सेरिया में दो पश्चमाव यानी दो सीलिया निकलते हैं। बॉडी की संपूर्ण सतह पर यह 10,000 से 14,000 तक सीलिया पाए जाते हैं। ये सचल अंगक नियमित लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में अरेंज रहते हैं। पूरी बॉडी पर इनकी लंबाई समान होती है, केवल पश्च सिरे यानी पोस्टीरियर एंड के कुछ सीलिया बड़े होकर एक कॉडल टफ्ट या पश्चीय गुच्छ की रचना करते हैं।
इसी रचना के कारण इस जाति का नाम कॉडेटम दिया गया है। ठीक है, इसके बॉडी में एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड होते हैं जो इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं, इसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं। इसकी बॉडी में इन अंदर की साइड में ट्राइकोसिस्ट होती हैं। ये सीलिया, रो ऑफ सीलिया, सीलिया की लाइंस यानी सीलिया ऐसे लाइंस में, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में अरेंज रहते हैं। ये एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जिसे हम डायस्टॉल कहते हैं, और उसके चारों तरफ रेडियल कैनाल्स हैं जो सिस्टोल पोजीशन में रहती हैं। ये हमारा माइक्रो न्यूक्लियस है और बड़ा वाला हमारा मैक्रो न्यूक्लियस है। उसके चारों तरफ हमारे फूड वैक्यूल्स, ये हमारे पोस्टीरियर एंड पर पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो रहती है जो सिस्टोल पोजीशन में होती है, और उसके चारों तरफ रेडियल कैनाल्स होती हैं जो डायस्टोल पोजीशन में होती हैं। ये हमारा कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया यानी सीलिया का बड़े होकर एक कॉडल टफ्ट बनाते हैं जो कि बॉडी के पोस्टियर एंड पर होता है। अब ये देखिए कि ये हमारी जो बॉडी कवर्ड है वो पेलिकल से कवर्ड है। ये पेलिकल है, ठीक है। बॉडी के जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं और इनर पार्ट को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं। ये हमारी ओरल ग्रुप है और ओरल ग्रुप से हमारा वेस्टिबुल की फॉर्मेशन होती है, और वेस्टिबुल से जो हमारे उसमें ओरल सीलिया बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और बकल कैविटी की ओपनिंग साइटोस्टोम में होती है, और साइटोस्टोम से अंदर की जो साइटोफेरिंग्स, ठीक है, और इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू ना होकर उसको हम साइटोपाइजी कहते हैं, और ये हमारी साइटोफेरिंग से फूड वैक्यूल की फॉर्मिंग होती है। तो फूड वैक्यूल इन फॉर्मिंग। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही था, आशा करता हूं आपको आज समझ में आया होगा। थैंक यू।